मेजर अजीत भट्टी शहीद का 53वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर राजा अजीत भट्टी शहीद 6 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए। कया में पाकिस्तान से कबल मेजर अजीत भट्टी का खानदान हिजरत करके गुजरात में रिहाइश पजीर हुआ। अजीत भट्टी कया में पाकिस्तान के बाद 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में शामिल हुए। 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले रेगुलर कोरस के पासिंग आउट परेड में उन्हें शहीद मिलत लियाकत अली खान ने बेहतरीन कैडेट के एजाज के अलावा शमशीर एजाजी और नारमिन गोल्ड मेडल के एजाज से नवाजा, जिसके बाद उन्होंने पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की और 1956 में तरक्की करते करते मेजर बन गए। 6 सितंबर 1965 में जब दुश्मन ने मुमलिकत खुदादाद पर शब खून मारा तो मेजर अजीज भट्टी को बरकी सेक्टर पर दुश्मन की पेश कदमी रोकने का हुक्म मिला। कौम का ये बहादुर सपूत दुश्मन की राह में सीसा पिलाई दीवार बन गया और कमाल महारत और अस्करी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को एक कदम आगे ना बढ़ने दिया। 12 सितंबर 1965 को जब दुश्मन पाक फौज पर भारी गोलाबारी कर रहा था, मेजर अजीत भट्टी ने मोर्चे से बाहर निकलकर अपने सिपाहियों को हिदायत दी। उसी दौरान तोप का एक गोला मेजर अजीत भट्टी को लगा और उन्होंने मादर वतन के दिफा में शहादत का रुतबा पाया। उन्हें पाकिस्तान की मुस्लिह अफवाज के सबसे बड़े एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। राजा अजीत भट्टी शहीद ये एजाज हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे सपूत थे।